10-12 साल में ही दाढ़ी आ गई है, तो उस दाढ़ी की ग्रोथ कैसे कम करें या फिर उस दाढ़ी को कैसे हटाएं, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। हाय गाइस, आई एम अनिल, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आप में से ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो कि अभी स्कूल जाते हैं, अभी उनकी एज बहुत कम है, जैसे कि 10, 11, 12, 13, 14 साल आप मान सकते हैं। तो उस एज में अगर आपकी दाढ़ी आ जाए तो आपको क्या करना चाहिए? देखो, सबसे पहली बात तो सिंपल सा टॉपिक है, सिंपल सा आपको सॉल्यूशन देता हूँ कि ये दाढ़ी नहीं होती। इस एज में आपकी ब्राउन ब्राउन या बेबी हेयर्स या फेशियल हेयर्स आप बोल सकते हैं, तो अगर आप बॉय हो तो आपके तो वो 101% दाढ़ी आएगी, आगे आएगी, लेकिन अभी आपके दाढ़ी के बाल निकलना स्टार्ट हो जाएंगे या हो रहे होंगे, तो वो आप दाढ़ी नहीं कह सकते, वो दाढ़ी की ग्रोथ होना आप बोल सकते हैं कि दाढ़ी उगना स्टार्ट हुई है, दाढ़ी आई नहीं है। तो जो भी लोग कमेंट्स में मुझसे बोलते हैं कि सर हम 13 साल के हैं, 12 साल के, हमारी दाढ़ी आ गई है, उसको कैसे हटाए, उसकी ग्रोथ कैसे कम करें, तो आपको उसको कुछ भी नहीं करना, ना तो उसको ट्रिम करना है, ना उसकी शेविंग करना है, ना उसको कैंची से काटना है, कुछ भी नहीं करना, आपको ऐसे ही ग्रोथ करते रहना है। ये दाढ़ी नहीं होती, ये ओनली दाढ़ी की ग्रोथ होना स्टार्ट होती है, यानी आपके बाल उगना स्टार्ट हुए तो ये आपकी प्रॉपर दाढ़ी नहीं है। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, जब तक कि आपकी एज प्रॉपर नहीं होती, जब तक आप मेच्योर नहीं होता तब तक आपकी दाढ़ी के बाल काले नहीं होते। दाढ़ी वो होती है जिसके बाल काले मोटे होते हैं। अगर आपके पतले पतले बाल आ रहे हैं जैसे कि फेशियल हेयर, बेबी हेयर, तो वो दाढ़ी नहीं होती, वो दाढ़ी उगना स्टार्ट हुए। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना करें, बिल्कुल भी ना डरें। आपकी ये कमेंट का आपको आंसर मिल गया। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। सी यू अगेन।